नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का खास कार्यक्रम वीकेंड चर्चा। दोस्तों, वीकेंड चर्चा में हर बार हम एक ऐसा मुद्दा लाते हैं जिसका सीधा सरोकार आम जनता से है, आम जनता की मुद्दों से है और आम जनता की समस्याओं से है। इस बार भी हमारा मुद्दा कुछ ऐसी विशेष समस्या है जो कि अभी दो दिन पहले ही एक आदेश आया है 1 दिसंबर को कि लगभग लगभग उत्तर भारत की 45 जोड़ी ट्रेनें रद्द की गई हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेनें होती हैं ये देश की लाइफलाइन है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने वाली ये ट्रेनें ही आम जनता के लिए एक व्यवस्था की परिचायक होती हैं। आम जनता इस माध्यम से अपनी रोजी की में जाती है, काम करती है, अपने गंतव्य स्थल को जाती है और एक जो धुरी है वो इस पूरी ट्रेन व्यवस्था पर लागू है। क्योंकि समाज में ट्रेन नहीं होगी, बस नहीं होगी, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं होंगे तो आवागमन को कैसे सुचारू रूप से रखा जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेनों को अचानक रूप से केवल केवल कोहरा के चलते रद्द कर देना अपने आप में बड़ा प्रश्न है। यही आज हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव और समाजवादी पार्टी से जावेद अहमद। आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि जो बड़ा मुद्दा है कि अचानक लगभग लगभग 95 ट्रेनें रद्द कर दी गई, आम जनता परेशान है। पहले भी आपने देखा कि कोरोना काल में भी तमाम ट्रेनों को रद्द कर स्पेशल ट्रेनें चलवाई गई और वो जो व्यवस्था थी वो लगातार जारी रही। अभी कुछ समय पहले ही उस व्यवस्था को खत्म करने का आदेश हुए हैं। जमकर पैसा वसूला गया, व्यवस्थाएं के नाम पर क्या मिला है सबको पता है। इसके बावजूद अब तक व्यवस्थाओं में क्या कमी रह गई है जो महज कोहरा के नाम पर 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। हवाला दिया जा रहा है कि जिस तरह से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो एक चक्रवात है, जबात आया हुआ है, उसके चलते इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। पर सबसे बड़ी बात है उत्तर भारत में इस तूफान से क्या, दिसंबर में ऐसा कौन सा कोहरा होता है जिसके चलते इस तरह के जो फैसले हैं वो रेलवे लेता है, और मार्च में से कौन सा कोहरा होता है जिसके चलते ट्रेनें रद्द की जा सकती हैं। तो सबसे पहले इस मुद्दे पर हम बात करेंगे बीजेपी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव से। विवेक श्रीवास्तव, क्या मानते हैं इस तरह के जो आदेश है जो रेलवे मंत्रालय लेता है, ये कहां तक आम जनता के लिए फायदेमंद है या कुल मिला के नुकसानदेह है? रेलवे रद्द करने का आदेश मौसम को देख करके देता है। जिस तरह ट्रेनें केवल उत्तर भारत में ही नहीं चलती, ट्रेनें उत्तर भारत से लेकर के सुदूर पूर्वी राज्यों तक जाती है और जो एक ट्रेन यहाँ से छूटती है वहां जाती है, वहां से दूसरी ट्रेन छूटती है यहाँ आती है, इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बना होता है। तो जो ट्रेन रद्द होती है वो दूसरे ट्रेनों पर भी इफेक्ट डालती है। इसी तरह से जिस तरह से चक्रवात उड़ीसा और आंध्र के तट से टकराने की संभावना है, इस तरह से वहाँ NDRF वगैरह की प्रक्रिया तैनात की गई है और वहाँ सीमावर्ती पुरी वगैरह में रेलवे को जारी किया गया है। उस स्थिति को देखते हुए सरकार ने एहतियाती कदम उठाए और रही बात जो कोहरे की बात आप कर रहे हैं, ठीक है, आप लखनऊ के मौसम को देख कर कह सकते हैं कि कुहासा यहाँ लखनऊ में तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लखनऊ ही उत्तर भारत का ऐसा कोई दर्पण नहीं है कि लखनऊ को देख करके पूरे उत्तर भारत के मौसम की तस्वीर समझ में आ जाए। आप तराई इलाकों में जाएंगे वहां पे आपको फरवरी में आते दिख जाते हैं, तो अभी आप ज्यादा दूर पहुंच जाएंगे लखीमपुर खीरे पीले की तरफ चले जाएंगे, आपको शाम को दिखाई दीजिएगा। ये सब तमाम कारण दुर्घटनाओं को टालने की तरफ से ऐसी स्थिति में ये फैसले रेलवे लेता है। इसमें कोई ऐसा विषय ढूंढने की आवश्यकता नहीं, यही उनका तकनीकी कारण की जाती है कि आपने कहा कि ऐतिहासिक फैसला है। ऐतिहासिक फैसला कैसा है जब फॉग लाइट है ट्रेनों में
किस तरह का ऐतिहासिक फैसला है? तकनीकी कारणों से वो इस तरह का तो हाँ ये मुद्दा है तकनीकी कारणों का, ट्रैक और तमाम चीजों की मरम्मत बाकी है, ट्रेनों में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, जिस तरह से कुछ ही ट्रेनों को स्पेशल ट्रेन बना के चलाया जा रहा था, ये बड़ा मुद्दा है। मेरे ख्याल से ऐतिहासिक फैसला तो नहीं है, क्योंकि आम जनमानस कहाँ से कहाँ सफर करेगा। आपने बात सुना नहीं, मैंने कहा कि रेलवे तकनीकी कारणों से ऐसा एहतियातन ऐसा फैसला लेती है, एहतियात रखती है ताकि कोई घटना दुर्घटना नौबत ना आए, एहतियातन ऐसा फैसला लेती है। उन्होंने ऐतिहासिक नहीं, चलिए चलिए इसका जवाब लेते हैं। जावेद जी बताइए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो प्राइम गूगल का धन्यवाद कि कोरोना के समय में हमारे भाई विवेक जी खो गए थे, आज बहुत वर्षों बाद मुलाकात हुई। मेरे भाई है अभी 6 दिन पहले भारत सरकार के रेल ने कहा कि 75 वर्षों में पहली बार रेलवे से उच्च तकनीक से इस तरीके से लैस है कि हमने दुर्घटनाएं बंद हो रही है और ऐतिहासिक व्यवस्था चल रही है। अगर ऐतिहासिक बात चल रही है जैसा आप मेरी गौरव जी कहा कि इस समय ऐसी कोई भी मौसम की स्थिति नहीं है कि ट्रेनों को रद्द दी। आपने पहले भी मुद्दा उठाया कि कोरोना काल में जिस जनता से जेब में डाका डाला गया, स्पेशल ट्रेनों के नाम पर वसूली की गई, जो जवाहर चक्रवात है उसका असर भारत और उड़ीसा से 36 के एक तक है और इससे अधिक कहीं पर नहीं है। अभी उत्तर भारत से उत्तर भारत ऐसी नहीं है कि ट्रेनों को रद्द किया जा सके। कोरोना काल में आपने हर लूट की और व्यवस्था के नाम पर सुन रहे, आप जो फिजिकल डिस्टेंसिंग थी उसको उसका भी पालन आपने रेलवे में नहीं कराया। टिकट के दाम तो 36 से उड़ीसा के लिए पैसेंजर ट्रेनें आपने चलाई थी उस समय, उसमें 4 गुना अधिक आपने किराया वसूल करने का काम। आप कह रहे हैं कि दुर्घटना को पहले से रोकने के लिए इस तरीके की तो इस तरीके की व्यवस्था आपने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नहीं की। अभी इतना कोहरा नहीं है, वो स्थितियां नहीं है तो आप ये ट्रेनें की ट्रेनें पूर्व में भी ना जोड़ी रही है, लेकिन वो मौसम विभाग के आधार पर उन रूटों की ट्रेनें रद्द की जाती थी कि जहां पर घने कोहरे दुर्घटना की स्थिति बनती थी। तो फिर आपने 6 दिन पूर्व रेल ने यह दावा करके किया कि अब पिछले 6 वर्षों में रेल मंत्रालय रेल विभाग पूरी तरीके से दुर्घटना मुक्त हो चुका, हमने रेलवे को उच्च तकनीक से लैस कर दिया है। तो इसमें सही कुछ क्या है जो 6 दिन पहले रेल मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा था कि हम उच्च तकनीक से लैस हो रहे हैं, तो आज कोहरे के केंद्रों को रद्द करने की स्थिति कैसे बनी और आपने ट्रेनों को रद्द करके किया। आज की बात सही है तो आप पिछली बात के लिए माफी मांगिए कि आप झूठ गए और आपने ऐसी कोई उचित तकनीकी व्यवस्था रेल के लिए जिससे रेलों का संचालन दुर्घटना रहित हो सके, तो अपनी बात ही में फंस गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो बड़ी बात की है, इसलिए विवेक भाई जो कह रहे हैं वो सच है कि ये ऐतिहासिक है। इसमें जनता का उत्पीड़न होता है, जनता का आवागमन बाधित हो, एक जगह रोक दिया जाए। इनकी सीधे सीधे मंशा भारत सरकार की जनता पार्टी की यही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि अगर ट्रेनें में समस्या थी कोरोना के समय भी इस तरह की जो कोहरा समय भी हुआ था, पिछले साल भी ऐसी बात हुई थी और समय भी ऐसी जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थी उनको रद्दीकरण के आदेश नहीं आते थे। अब तक जब भी देखा जाता रहा है अगर ट्रेन रूट डाइवर्ट होता है या ट्रैक की मरम्मत होती है तभी इस तरह के आदेश आते हैं कि 3-3 महीने के लिए ट्रेनें रद्द कर दी जाती हैं। अब तक केवल ये सुना जाता रहा कि अगर कहीं का ट्रैक बंदा है तो ट्रेनें डाइवर्ट होती थी, या कहीं का अगर मरम्मत हो रही है तो ट्रेनें डाइवर्ट होती थी, या कुछ एक ट्रेन ऐसी होती थी जहां पर ट्रैक सामान्य नहीं हो सकता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता था तो ट्रेनें रद्द कर दी जाती थी। पर ऐसा फैसला अचानक जहां जिस ट्रेन से आम जनता गुजर बसर करती है जाती है, कोई मुंबई जाता है कोई कलकत्ता जाता है, अधिकांश उत्तर भारत के लोग हैं वो कमाने के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रदेशों में जाते हैं,
उनका आवागमन किस प्रकार से हो सकेगा, ये अपने आप में अभी भी प्रश्न है, क्योंकि केवल और केवल स्पेशल ट्रेनें ही चलेंगी, तो आम जनता के लिए उन ट्रेनों से किराए से बचर यानी अपने आप को निकालना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न होगा। विवेक जी क्या मानते हैं, किस तरह से आम जनता अब दूसरे प्रदेशों को जाएगी, जिस तरह से 95 ट्रेनें रद्द की गई हैं, चाहे वो कलकत्ता की हो, चाहे केरल की हो, चाहे बॉम्बे की हो, क्या मानते हैं किस तरह से आम जनता जो जहां पर जाती है काम करने के लिए, अपने गंतव्य स्थल पर जाती है या घर को लौटती है, किस तरह प्रकार से आवागमन करेगी, अगर स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं तो उनमें कितना किराया में छूट दी जाएगी, क्योंकि अभी तक स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं, उनमें किराया भी बहुत बेहतर है और हमेशा अच्छा किराया उनसे वसूला जा रहा है, और आम जनता इस किराए को देने में असमर्थ है। जब से कोरोना जैसी विभीषिका से भारत ने अपना अपने आप को संभाला है, किस तरह से आर्थिक स्थिति है सबको वो जग जाहिर है, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रधानमंत्री भी लगातार अन्न वितरण कर रहे हैं, योगी जी भी लगातार अन्न वितरण कर रहे हैं, कि इससे उनको लगता है कि वास्तव में आर्थिक मुद्दे पर, आर्थिक मोर्चे पर जो जनता है देश की वो परेशान है, चाहे प्रदेश की जनता की बात करें चाहे देश की जनता बात करें। तो यहाँ पर इस तरह से स्पेशल ट्रेन चलाते रहने को और 95 जो जो ट्रेनें रद्द करने का जो आपका जो निर्णय है रेलवे मंत्रालय का, कहाँ तक सही मानते हैं? रेलवे जो ट्रेनें रद्द करती है तकनीकी कारणों से करती है, उसमें कोई ऐसा कारण इससे सरकार का कोई सीधा संबंध हो। अब कहीं पे बात की वजह से, कहीं पे कोहरे की वजह से ट्रेनें अगर डिले होने की स्थिति में नहीं सुचारू रूप से ट्रेनों का आवागमन हो पाने की स्थिति है, ऐसे में ट्रेनें रद्द करने का निर्णय रेलवे प्रशासन लेता है, उसका सरकार से कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं होता। और आप भी देखते हैं कि रेलवे बोर्ड होता है, उसका जो परिचालन देखता है उसमें सीधा कोई रेल मंत्री का भी हस्तक्षेप नहीं होता, जो इनके परिचालन की प्रक्रिया है। तो ऐसे में इस बातचीत के उत्तरदायी ठहराना ये ठीक नहीं। क्या मानते हैं ऐसे में क्या अलग अलग प्रदेश सरकार को अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, जिस तरह की यात्री जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, वो किस तरह आवागमन यानी करना चाहेंगे, अगर जाना चाहेंगे अपने गंतव्य स्थल पे किस तरह जाएंगे, क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी? समस्या से प्रदेश सरकारें अवगत कराएंगे तो उधर दी जाएंगी अगर ऐसी कोई कोई समस्या आती है। अभी ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई जो रद्द किया गया पूर्ण काल किया गया है, कुछ काल समय के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया फिर इनको चलाया जाएगा, ऐसे में लेकर के बहुत हाई तोड़ा करना ठीक नहीं है, पर जिस बहुत तरह इसमें टाइम होने की आवश्यकता नहीं है। पर जिस तरह से ट्रेनें रद्द हुई हैं तो उनके जो यात्री हैं, तो निश्चित रूप से जो ट्रेनें चल रही हैं उन पे यात्री का और यात्रियों का भार बढ़ेगा, निश्चित रूप से सीटें मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब तो जनरल सीटों में यात्रा करना इतना आसान नहीं है, अधिकांश वेटिंग चल रही है। तो ये बताइए जो ट्रेनें चल रही हैं निश्चित रूप से उन पर यात्रियों का भार पड़ेगा, कैसे फेरे बढ़ाए जा सकेंगे, यात्रियों को इंतजार करना पड़ेगा, इसके साथ ही जो हमारी परिवहन व्यवस्था है, जो रोडवेज की व्यवस्था है, वो भी एक दूरी तक सीमित है, तो किस तरह से व्यवस्था करनी पड़ेगी? जाबी जी क्या मानते हैं इस तरह से व्यवस्था में? निश्चित रूप से जो धीरे भाव कह रहे हैं कि अगर रेल मंत्रालय से नहीं है, रेल मंत्री से मतलब नहीं है, तो क्या रेल मंत्रालय भाजपा सरकार ने समाप्त, रेल मंत्री केवल कागजों पर है? आखिर उस रेल विभाग मुखिया को रेल मंत्री जी हैं। अब आप इस तरीके से समझिए तो आपने कि केवल 90 जोड़ी ट्रेनों को रद्द करवाए रोक ली, लेकिन बाकी जो ट्रेनों का परिचालन होगा उनपे दुर्घटना की दावत के लिए क्या छोड़ रखा? पहली चीज ये सवाल होता। दूसरी चीज है ये सीजन जो है दक्षिण में बड़ा एक फेस्टिवल होता है नए साल का, और उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग बड़े व्यवसाय के लिए केरल और कर्नाटक तक जाते हैं, जो वहां पर दुकानें लगाते हैं और पूरे कमाई करके आते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब रद्द करने से आपने जन हानि को रोकने का काम, तो आप ये बताइए रोडवेज की बसें क्यों कोहरे में रात में चलवाई जा रही? सरकार तो डबल इंजन की है, भारतीय जनता पार्टी की है, केवल
परिचालन आप करते हैं, राज्यों में रोडवेज बसों का परिचालन आप, तो आप बताइए कि शाम को सूर्यास्त के बाद रोडवेज की बसों का भी नहीं होना चाहिए। कोहरा केवल रेल ट्रैक पर नहीं है, कोहरा तो फिर हाई एयरपोर्टों पर भी होगा। अगर आपको कोहरा दिखाई दे रहा, ऐसे जो कोहरा है ये भारतीय जनता पार्टी के शासन को भी गिरता है। जिस तरीके से जनता के जीवन में निर्कुशता के साथ शासन किया, लोगों को महंगाई और बेरोजगारी के जाल में फंसाया, बाहर नेतियों के दुष्कर्म में जिस तरीके से इजाफा किया, उत्तर प्रदेश किस तरीके से गरीबी से जूझ रहा, किस तरीके से बेकारी से जूझ रहा, इन सब चीजों पर जो कोहरा भर रहा है, तो इसमें ध्यान डाइवर्ट करने के लिए रेलवे की धन लोग मारा जा सके, लोग अपनी जीविका में चला सके, और कैसे उत्पीड़न और शोषण किया जा सके, उनको कैसे भुखमरी की रेखा के नीचे, गरीबी की रेखा के नीचे भेजा जा सके। ये उत्तर ये जो ट्रेनें ये दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली ट्रेन, पहले पहले भी कहा कि इन ट्रेनों से उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग लखनऊ चलेंगे, बड़ी संख्या में व्यवसाय के थे जो नए साल के अवसर पर वहां पर बड़ा व्यवसाय और अपने पूरे परिवार की साल भर आजीविका चलाते, आपको वंचित करने का काम किया है एक तरीके से। जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। विवेक जी क्या कहना चाहेंगे जावेद जी की बात पर? देखिए जावेद जी हर चीज में सरकार को दोषी ठहराने के आदि हो चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये तकनीकी कार्य रेल मंत्रालय द्वारा, रेलवे बोर्ड द्वारा ये डिसीजन लिया जाता है और जनता के हित में ही होता है। रद्द करने का निर्णय कोई रेलवे खुशी से नहीं लेता है। दो होते या तो चक्रवात या कुहासा या रेल पटरियों पे कई मरम्मत के दौरान निर्णय लिया जाता है। इन तकनीकी कारणों से एहतियात थी रेलवे, इसको लेकर के मुद्दा बनाना, इसको लेकर के इतनी बड़ी आय तोबा करना है। अभी कोई दुर्घटना हो जाए तो साहब कल यही लोग इस्तीफा मांगेंगे। तो अगर जनहानि रोकने के लिए रेलवे ऐसा कोई कदम उठा रहे उसका स्वागत किया जाना चाहिए, उसमें इस तरह की दुर्भावनापूर्ण वक्तव्य ठीक नहीं है। बिल्कुल आपकी बात सहमत हुआ, आपने कहा कि रेलवे कोई अगर दुर्घटना हो जाए कौन जिम्मेदार होगा, पर सबसे बड़ी बात विवेक जी है कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि एहतियातन ऐसे फैसले लिए जाते हैं, पर जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उनकी यात्रियों को क्या वैकल्पिक व्यवस्था दी जा सकेगी? क्या इसके लिए कोई रेलवे मंत्रालय ने कोई प्लानिंग की है, या ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, या ऐसी कोई व्यवस्था की जाएगी, क्या डिब्बे बढ़ाए जाएंगे? गौरव जी सब बहुत हल्की बात करना चाह रहा था आपसे। कभी जब आप सड़क पे निकलते हो पीछे लिखा देखते हो या कहीं सुरक्षा स्लोगन देखते होंगे दुर्घटना के लिए, आप कल पहुंच जाएंगे तो ठीक रहेगा, ऊपर पहुंच जाएंगे तो क्या? अगर कोई रेलवे ऐसी दुर्घटना टालने की कोई ऐसा निर्णय ले रही है तो उसपे विवेक जी हमने आप आपकी बात को सहमत भी कर दिया, पर मेरा प्रश्न केवल इतना रहा है कि अगर ट्रेनें रद्द हुई हैं, चलो मान भी लेते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्थाओं के चलते इस तरह के एहतियातन फैसले रेलवे लेता है, पर सबसे बड़ी बात है जो यात्री हैं जो अलग अलग गंतव्य स्थल को जाते हैं अपनी जीविका के लिए, बाहर प्रदेशों बाहर जिलों में जाते हैं, उनकी व्यवस्था कैसे हो सकेगी? निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि ट्रेनों पर भार बढ़ेगा, कि जो ट्रेनें चल रही हैं उन पर यात्रियों को भार, क्योंकि लगातार अब जनरल पर यात्रा करना इतना आसान नहीं, सबकी टिकटिंग होती है, वेटिंग होती है, उस व्यवस्था को लेकर रेलवे क्या कुछ बड़े फैसले लेगा, इसके मैं दबा जाना चाह रहा हूँ। बिल्कुल रेलवे बोर्ड की चिंता है, रेल मंत्रालय गाइडलाइंस है, उसके कारण शासन इसकी चिंता करेगा, उसके निर्णय लेगा। यात्रियों को असुविधा ना हो, आज नहीं कल पहुंचे सुरक्षित पहुंचे, यात्रियों का सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचे जिम्मेदारी है यात्रियों को, जिम्मेदारी को रेलवे मंत्री निभाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है प्रशासन इसकी चिंता करेगा। जावेद जी क्या कह रहे हैं?
देखिए दादा जी ने जो बात कही सहमत हो कि आपने जनहानि को रोकने का काम किया, लेकिन फिर ये वन स्टैंडर्ड हो गया ना, दोहरी बात हो गई। आप छह दिन पहले है कि रेल अब उच्च तकनीक से लाए, अब आप रेलवे मरम्मत की बात करते हैं, सिग्नल के मरम्मत की बात करते हैं, दो वर्षों से रेल आधी से भी कम क्षमता से चल रही है, उससे क्यों नहीं किया? जब ये सर्दी का मौसम आ गया तब आप एक बहाना लेने का काम, इस समय हम सिग्नल का दुरुस्तीकरण कर रहे हैं, रेल ट्रैक का काम कर रहे हैं, तकनीकी कारणों से ये कर रहे हैं, तो आपकी वो तो पूर्व का एक बड़ा सूचना है जो मीडिया के देश की जनता को प्रसारित किया आपने, हम उच्च तकनीक से लड़ हो गए और हमारे ट्रेन के परिचालन में कोई बाधा नहीं है। जो ट्रेनों का रद्दीकरण हुआ है ये सही जवाब जाबिर जवाब दे देते हैं, बताइए विवेक जी। गौरव जी जावेद भाई हमारे पुराने मित्र हैं, बार बार की उत्कृष्टता का हवाला दे रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए इनको याद दे रहा, बड़े अनुभवी मित्र हमारे, प्रकृति के आगे तकनीकी बेबस है। आपने देखा होगा पिछली बार पश्चिम बंगाल वगैरह में रेल के डब्बे जगे गए थे, उसके बावजूद भी चक्रवात की लहर में रेल के डब्बे अपने ट्रैक से दूर कहीं मिले। अमरीका तक में अगर इस तरह की स्थितियां आती है तो वहां भी जनहानि हो जाती है, उनको भी ऐसे एहतियात कदम उठाने पड़ते हैं, उनकी तकनीक तो हमसे बहुत आगे है। तकनीकी का हवाला दे करके आप इस बिंदु पर रेलवे रेल मंत्रालय को जो रेलवे की तरफ ठीक रही है, जो रेलवे ने टेक्निकल कारणों से करना है उसको पहले समझिए, उसको के ऊपर टिप्पणी करिए। अगर डिवाइस कोई लगाई है रेलवे में उसके घोषणा कर उसको आप कह रहे हैं साहब उन्होंने कॉन्फ्रेंस की विवेक जी ठीक रही, विवेक जी जावेद जी ठीक रहे, जावेद जी जवाब दे रहे हैं, जावेद जी बताइए। जो बात हो रही रेल की, पहले से अंग्रेजों के जमाने से व्यवस्था चल रहा कि रेलवे स्टेशन पे पटाखे लगाने की व्यवस्था थी, फॉग लाइट रेलवे अपना काम करता। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तकनीक को भी तहस नहस करती है, और तकनीक और विज्ञान ही है कि जो प्रकट से लड़ने का भी काम करता। अगर रेल के लिए ये बातने की है जनहानि को रोकने की, तो मेरा तो बड़ा स्पष्ट है कि आप ये बता दीजिए कि रोडवेज की बसों में तो आग लाइट होती है जिसकी दूरी बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता, बसों में सीधे ड्राइवर के पास ही जो है कोहरे का प्रभाव होता है, सीधा सी व्यवस्था नहीं होती। तो फिर इस आधार पर अगर हमें हानि को बचाना है, अपने लोगों के जीवन की रक्षा करनी, तो हमें सूर्यास्त के बाद जो है निश्चित रूप से जवाब लेते हैं बंद करना चाहिए। जावेद जी विवेक जी जवाब दे रहे, जवाब दे दीजिए भैया, विवेक जी बताइए। गौरव की बार बार जावेद जी ट्रेनों बसों कर रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं, ठीक है कि वे ट्रैक पे जो ट्रेनों के गुजरने का टाइम है आपसे बसों के पास जो टाइम है रुक सड़कों पर गुजरने का बहुत ज्यादा है। अगर एक ट्रैक पे डिले होती है तो कम से कम आगे पीछे वाली कम से कम चार पांच ट्रेन होती है। रेलवे ट्रैक पे रेल ट्रेनें एक ज्यादा स्लो नहीं चलाई जा सकती, अगर स्लो चलेंगी तो अगर आगे पीछे वाली को रद्द करने के लिए बात कर देंगी, उन्हीं कारणों से कम किया जा सकता है, लेकिन यात्री सुविधा का भी तुलना करने में बड़ा चम्मित हूँ की जावेद जी अच्छी बात कैसे कह रहे हैं। नहीं कही जाएगी दुर्घटना क्या सड़कों से दुर्घटना नहीं होती धीरे भाई, आप ट्रेन की स्पीड को कम कर सकते हैं। गौरव जी जैसा कह रहे हैं कि क्या आप ट्रेनों के फेरे बढ़ाएंगे, तो व्यवसाय के लिए दक्षिण भारत जा रहे थे अपने उत्तर प्रदेश के गुरुद्वारे का, तो बड़ा व्यवसाय होता है धीरे भाई, दक्षिण भारत में अपने लोग रहते हैं जो वहीं से साल भर परिवार का पेट भरते हैं, उनके लिए तो समस्या खड़ी हो गई। और ये 20 दिसंबर से
दक्षिण भारत में उन्होंने शुरू कर देते जो लोग हमें चले गए छोड़ दीजिए, जो अभी जाने वाले थे उनके सामने तो रोड हम तक खड़ा हो गया, रोटी का संकट पूरे साल भर खड़ा रहेगा। तो कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैंने आपकी दो बातों से सहमति भी व्यक्त की है कि दो आधार नहीं हो सकते। क्या ट्रेनों की सीट कम नहीं की जा सकती है? इतनी ट्रेने है कि जो वो 100, 120, 140 की रफ्तार से आ रही है। अरे हमारे यहाँ जो वाल्वो है, जो जन जो ऐसी बसें है वो भी तो 80 से 100 की स्पीड से चलती है। हमारी बस जिन बसों में स्पीड गवर्नमेंट नहीं है रोडवेज की, वो बसें भी 60 से 50 से अधिक की स्पीड से चलती है। ये व्यवस्था हम आप सब लोग जानते हैं। हमारा ये कहना है कि जो व्यवस्था आपने रद्द की है करने के बजाय, अगर इन ट्रेनों की स्पीड कम करके इनके परिचालन को चालू रखा जाता तो ऐसा नहीं है कि सभी दुर्घटना। जवाब लेते हैं, जवाब लेते हैं भैया, जवाब लेते हैं। कभी कारण होती है प्राकृतिक आपदा, कभी कारण होती है। विवेक जी जवाब दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी मैं ज्यादा स्पष्ट कर दू, आज का विषय 91 ट्रेनें जो रद्द हुई है, रोडवेज में किन बसों में स्पीड गवर्नर लगा है, किसमें नहीं लगा है, भी और रख लिया जाएगा तो रोडवेज की हालात में भी चर्चा हो जाएगी। आज है कि रेलवे ने ये फैसला किन परिस्थितियों में किया ट्रेनों को रद्द करने का, उस पर मेरा स्पष्ट मत है कि अगर रेलवे ट्रैक पे इनके रहने की एक निश्चित सीमा है, अगर वो ट्रेन डिले होगी तो आगे लोगों को इफेक्ट करेगी, तो मजबूरी में रेलवे को कुछ ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं। ऐसी कारणों से रेलवे ने ये फैसला लिया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, जब और धन हानि दोनों बचाया रेलवे ने। इसमें कोई मूलमेख निकालना, ढूंढना, कोई पेच निकालना ये अच्छी बात नहीं है। विपक्ष को ऐसे नकारात्मक लाना चाहिए और अपना दृष्टिकोण। चलिए बीजेपी का जवाब तो आ गया, जावेद जी अपना जवाब दीजिए कम शब्दों में। ये आरोप लगाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आरोप लगाने के लिए कोई बात मैंने नहीं कही पाई, पहले भी दूंगे मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिस तरीके दिसंबर के शुरुआत में रद्द की गई ट्रेने, हमेशा 15 दिसंबर, 20 दिसंबर और जनवरी माह में रद्द होती है। आप एक मुस्त आदेश कर दे, फरवरी में क्या हो रहा है, मार्च में कहां को हो रहा है, आप केवल लोगों से 4 गुना ज्यादा धन वसूलने के नाम पे और प्राइवेट ट्रांसपोर्टर को लाभ पहुंचाने के लिए आपने ये काम किया है, निधा आरोप है। अभी ट्रेनों का परिचालन शुरू से किया जा सकता था, अभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उड़ीसा का जो इलाका है वहां अगर आप ट्रेनों का रद्द करते तो बात समझ में आती कि चक्रवात की वजह से। चलिए धन्यवाद, चलिए विवेक जी क्या कह रहे थे कम शब्दों में बोलिएगा। देखिए गौरव जी मैं बार बार कह रहा हूँ, जो इन्होंने कहा 15 दिसंबर की कार्रवाई सरकार के द्वारा की जाती थी, अब चक्रवात अगर दिसंबर 8 तारीख में दस्तक दे रहा है भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो भारत सरकार के हाथों इस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि आज चक्रवात आएगा तो उसका प्रभाव पूरे प्रदेशों पर नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिएगा कल परसों तक लखनऊ में बारिश हो जाएगी, खराब होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। तो अगर एहतियातन रेलवे प्रशासन ऐसा फैसला ले रहा है, मैं इतनी हाइट होगा। चलिए चलिए चलिए, मैं आपके आपने कहा कि एहतियातन फैसले लेने पड़ते हैं, आप दोनों का इस चर्चा में आने के लिए बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह के फैसले रेल मंत्रालय लेता है, ये ब्रिटिश काल से व्यवस्था चली आ रही, जब जब कोहरा पड़ता है तब तब कुछ महीनों के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। पर सबसे बड़ी उस समय की बात यह है कि जब हम बुलेट ट्रेन बनने की स्थिति में हैं, बना रहे हैं और तमाम व्यवस्था को तेज कर रहे हैं, स्पेशल गाड़ियां बना रहे हैं, उस समय क्या फॉग लाइट की व्यवस्था को बेहतर नहीं किया जा सकता है? या अगर वास्तव में चक्रवात के चलते इस तरह के फैसले लिए गए हैं तो जनता के लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी? क्या इन ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जाएंगे, क्या और डिब्बे जोड़े जा सकेंगे, या परिवहन स्तर पर बसों की अन्य व्यवस्था की जा सकेगी? पर अभी तक ऐसा कोई फैसला रेलवे मंत्रालय हो और चाहे बस मंत्रालय हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की अन्य व्यवस्था हो, नहीं आया है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम दावे बहुत बड़े बड़े करते हैं,
चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो या अन्य व्यवस्थाओं की बात हो, पर कोई भी फैसला होता है जो सरकार से जुड़ा होता है, कुल मिलाकर उसका असर आम जनता पर ही पड़ता है। ज़्यादातौर पर बात है 95 ट्रेनें रद्द हुई हैं, तो इसकी यात्रियों का भार जो है वो अन्य ट्रेनों पर पड़ेगा और परेशानी केवल और केवल यात्रियों को झेलनी पड़ेगी। अब स्पेशल ट्रेनें कितने यात्रियों को लेके जाती हैं, यात्री अपने गंतव्य स्थल पर समय पर पहुंच पाते हैं, अपनी जीविका को चला पाते हैं और वापस अपने स्थल पर पहुंच पाते हैं, ये फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है। पर सबसे बड़ी बात है, अगर सरकार या रेल मंत्रालय ऐसे कोई बड़े फैसले लेता है तो उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए, या भविष्य में इस तरह की व्यवस्था या फॉग लाइट को बनाना चाहिए या तकनीक को उपयोग करना चाहिए, जिस तरह से इस तरह की जो व्यवस्था है कोरोना के चलते कोहरे के चलते जो ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है, इस व्यवस्था को जो एक ब्रिटिश काल से चली आ रही है उसको ख़त्म किया जा सके या उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों आज की वीकेंड चर्चा में इतना ही, अगली बार किसी नए मुद्दे के साथ फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।